बिसम अल्लाम आप ईजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आप लोगों ने जो सवाल किए हैं वो एक प्रोग्राम को लेकर हैं क्योंकि मैंने भी उस पर बात की थी तो आपने कहा कि अब वो शायद टाइम आ रहा है हमारे सामने है हमें क्या होमवर्क करना चाहिए कौन सा प्रोग्राम यानी कि कैनेडा इमिग्रेशन स्टार्ट न्यू एन सिस्टम कॉल्ड टीर टी डबली आर तो इसके तहत आप कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं और मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या करना होगा देखें यहाँ पर दो बातें समझनी है एक तो मैं आपको जो है ये बता दूँगा कैनाडा डॉट सी ए पर अगर आप जाएंगे तो आप अपने न्यू प्रोग्राम के तहत अपने आप को असिस्ट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जाके जून जुलाई में उसका रिजल्ट अगर आप अभी से होमवर्क करेंगे तो यू विल गेट दैट रिजल्ट और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अपने आप को कि मैं अब आज कहाँ खड़ा हूँ यानी कि आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी सी और अब मुझे इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है अगर ऐड करनी है तो फिर मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा और मैं कनाडा की उस टीर में वन है टू है थ्री है फोर है फाइव में फिक्स हो जाऊंगा और मैं अपना केस को प्रोसेस कर सकता हूं बट उसकी नीड क्या है मतलब उसकी प्रोफाइल कैसे बनेगी उसके अंदर मेरे क्या चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मामला नहीं होता कि आप कहेंगे कि जी मेरा सिर्फ और सिर्फ उसमें जो प्रोफाइल बन जाए या मेरी सिर्फ एंट्री हो जाए बल्कि हम इस बात को गौर करते हैं कि ज़रूरी है कि उसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल है वो कामयाब भी हो तो जब तक वो हमारे टेबल से पास ना हो या आपकी असेसमेंट में वो पास ना हो उसको मत डालिएगा मतलब ये ना हो कि आप जुलाई में ही हब्बड़ दबड़ मचा दें तो आपने उसको गौर करना है अब इसके लिए मैं एक इजाफा कर दूँ ये बात हो रही है तो इस टाइम मैं इस्लामाबाद में हूँ और आज तारीख जो है आज नौ तारीख है नौ तारीख है और मैं आज इस्लामाबाद में हूं और आज हमारे कम से कम 20 सेशनस हैं जो मैं लूंगा दैट विल बी होल डे मतलब रात तक है मामला और मैं इन कल की एक लीव लूंगा क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में हूँगा टू लाहौर और मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा तो कल मैं सेशन कंडक्ट नहीं करूंगा परसों सुबह से परसों सुबह 11 बजे से इनशाला मैं सेशंस कंडक्ट करूंगा जिन लोगों की बुकिंग uh, है हमारे पास वो लोग नोट कर लें कि वो लोग जो है जो गिवन नंबर्स हैं या जो आप स्क्रीन पे चलते हुए नजर नंबर देख रहे हैं इन पर रहा करके आप अपनी अपडेट ले लें टेन टू फाइव में ऑफिस ओपन रहेगा कराची वाला उस पर आप कॉल कर सकते हैं और बेहतर यह है कि आप मोबाइल पे जो है आप रबता कर लें व्हाट्सएप पर रबा कर लें जो लोग हैं वो अपनी और उनको मेरे हिसाब से लोकेशन जो है वो कल सेंड कर दी जाएगी इन शाम में कभी सेंड कर दी जाएगी तो कल शाम पर वेट कर लें कल शाम को उनको लोकेशन मिल जाएगी और अगर कोई और ऐड होना चाहता है तो क्योंकि मुझे वापस लाहौर या इस्लामाबाद या कराची आने में टाइम लगेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली अभी अगर मुझसे आप अपनी काउंसलिंग्स uh, और ये असेसमेंट करवा लेते हैं तो इट्स अ गुड चांस कि मैं अभी इस टाइम पर्सनली इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ और इन परसों अगर जिंदगी रही सेहत रही तो लाहौर वालों से मुलाकात हो जाएगी अगर आप लाहौर के uh, मजाफत के अंदर भी रहते हैं तो यू कैन मीट मी एक बात तो ये हो गई अब आ जाइए इस सिस्टम के ऊपर कि इस सिस्टम एक खास बात जो मैंने देखी जो आपके लिए कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है वो ये है कि उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी मेन क्वालिफिकेशन जो है यानी कि अक्सर मैं भी कहता हूं मैंने कहा भी है और मैं कहता रहा हूं कि कम से कम सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए और सेकेंडरी स्कूल जो है दैट इज़ इंटर दैट इज़ इंटर इन पाकिस्तान बारह जमात पास इसे कहते हैं इन इंडिया इन इन, इन 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 आवर पार्ट तो वहां पर उसको स्कूल कहते हैं वो लोग और स्कूल पास अब हमारे यहां तो मैट्रिक को स्कूल कहते हैं उसके बाद कॉलेज होता है तो यहां पर अगर कोई मैट्रिक है तो उसको भी उन्होंने इंक्लूड करवाया है उनको पता है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं यानी कि अगर ये पाकिस्तान है इंडियन है तो वहां पर उनको पता लग गया अच्छा अब मसला क्या हुआ मसला ये हुआ कि उन्होंने काम करवाना है उन्होंने आपसे कारपेंटर का काम करवाना है वो प्लम्बर चाहिए उनको उनकी बेसिक नीड है उनको मेसन चाहिए उन्हें हेल्पर चाहिए तो उस बंदे का इंटर होने का क्या तुक बनता है मतलब क्यों वो एंटर हो एक स, एक सवाल है यानी कि उसकी जो मेन क्वालिफिकेशन है तो उसको उस कैटेगरी में लेकर आना कि जो भी आपने काम करवाना है हेल्पर है पैकिंग है या वटेवर जो भी है उस बंदे को इस कैटेगरी में लेकर आना कि वो भी अपने आप को तैयारी कर ले तो उसकी तैयारी बताऊंगा मैं आखिर में क्या करनी है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी डिटेल है डिटेल पढ़ने का फायदा नहीं है आप खुद पढ़ लेंगे मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां डाल दूंगा लेकिन वो बहुत बड़ी है आप कैनो डाउट सी पे चले जाइएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी है ये हजारों की तादाद में है मैं हजारों दादा यहां पर नहीं कर सकता हूं अगर मैं आपको एक फिगर दू तो मैं आपको फिगर दे सकता हूं कि कितने हजार हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन टेन थाउजेंड प्लस है एग्जैक्टली टेन थाउजेंड प्लस है मैं दस हजार नहीं डाल सकता यहां पर मेरी गुंजाइश जो है वहां पर कम अल्फाजों की होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम टीर टी, को चेक करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीर वन चेक करता हूँ तो वहां पर कहता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए बैचलर्स मास्टर्स और डॉक्टरेट ये टीर वन वाले हैं इसमें जो लोग आएंगे उनकी जो वेस्ट रिपोर्ट है वो बनेगी और उनका जो डिग्री है वो बैचलर में आ जाए मास्टर में आ जाए या डॉक्टरेट में आ जाए चलेगी इसके बाद वो कहते हैं उस पर आ जाए नंबर टी टू पर आ जाए तो वहां पे वो कहते हैं कि स्कूल सेकेंडरी स्कूल पास चलेगा यानी कि पोस्ट सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी का मतलब है टू और थ्री इयर्स ऑफ कम्युनिटी कॉलेज पढ़ा हुआ हो उसने आप कॉलेज कह लें आप बैचलर कह लें तो वो कहते हैं हम मान लेंगे इसके अलावा उन्होंने टी थ्री में कहा है कि हम जो है सेकेंडरी स्कूल के साथ ट्रेनिंग को मान लेंगे इसके बाद फोर भी है कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल आपने सिर्फ सेकेंडरी स्कूल किया हुआ हो आपने कॉलेज नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं लेकिन आप ट्रेड जो फाइव पे आते हैं वो कहते हैं शॉर्ट वर्क डिमॉन्स्ट्रेशन एंड नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर सिंपल क्लियर कट है टीयर फाइव आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं आप देख लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म डिमॉन्स्ट्रेशन है एंड नो फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन अभी क्या होती है कि आप कहते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं ग्रेजुएट हूं मास्टर्स हूं इंटर हूं मैट्रिक हूं मिडिल पास हूं वो है फॉर्मल एजुकेशन वो कहते हैं हमें आपसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए हमें आपसे शॉर्ट वर्क डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए शॉर्ट टर्म क्या होगा मान लीजिए उन्होंने लिखा है शॉर्ट टर्म उन्होंने महीने नहीं लिखे हुए मगर मैं मान लेता हूं एज्यूम कर लेते हैं कि छह महीने तो होना चाहिए एक बात हो गई उसके बाद हम एक बात ये मान लेते हैं कि मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं इस काम के अंदर एलिजिबल हूं तो वो आपको उन्होंने नहीं कहा मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये आपकी प्रोफाइल के लिए कह रहा हूं कि वहां पर आपने ये करना है कि आपने ये साबित करना है विद योर सर्टिफिकेट विद योर एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा वट एवर जो भी करते हो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्किल डेवलपमेंट के पास जाकर सर्टिफिकेट लेता है कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाकर कोई ट्रेनिंग लेता है कि मतलब मान लीजिए कि आप आप वेल्डर हैं फॉर एग्जाम्पल लेकिन वेल्डर हैं आप जवानी बोल रहे हैं मैं कैसे मानूं तो उसकी एक तो आप सर्टिफिकेट तो कम से कम लेना क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं शॉर्ट टर्म डेमोन्स्ट्रेशन अब डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ये लोग जबानी बात नहीं कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि कैनेडा के पेपर के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ता है दिमाग में रखिएगा तो अभी अगर हम में हैं तो आपके पास अच्छा टाइम है छह महीने का पांच महीने का आप अपने सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाएं ठीक है मेरी मुझसे मुलाकात हो ना हो लेकिन आपको एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू डू ये आप दिमाग में रखें और उसके अलावा जो है एक बात दिमाग में रखें कि जो लोग कर सकते हैं देखिए ये बात है मुकाबले की ये पूरा सिस्टम है मुकाबले का यहां पर हम डालते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप बोलेंगे मेरी प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गई ये बात दिमाग में रखिएगा अप्लाई खुद कर लें लेकिन कानून समझेगा कि आप कहते हैं कि जी मैंने तो अप्लाई कर लिया मेरी प्रोफाइल पूरी है जो आपने कहा मैंने किया तो मेरा जवाब क्या आएगा देखें आपने अपने आप को एक सिस्टम का हिस्सा बनाया है वो आपको बुलाएंगे मैं और आप फैसला नहीं करेंगे आप एक कमरे में हैं जिस कमरे के अंदर लोग आते जा रहे हैं अच्छा का, आ, कानून सिस्टम का भी नहीं है मतलब ला, लाइन भी नहीं है एक हॉल है जहां आप आ गए वहां पहले से एक हजार लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने उस एक हजार में से आज सौ को बुला लिया तो नौ सौ रह गए अब जब दूसरा दिन आएगा तो उसमें फिर दो सौ लोग आ गए या सौ लोग आ गए मान लीजिए फिर हजार हो गए वो फिर बुलाएंगे हजार को तो आप बोलेंगे मैं मतलब तो पहले से बैठा हुआ हूं नहीं वो उन हजार में से ही सेलेक्ट करेंगे नए सिरे से आप आज आए हो कोई वहां पर दस दिन से बैठा हुआ है इसलिए आपकी जो प्रोफाइल बनती है वो एक साल तक वैलिड होती है क्योंकि एक साल में कभी भी जवाब आ सकता है तो आप उस हॉल के अंदर उस कमरे के अंदर वर्चुअली एक साल तक होते हो कि अगर मेरा नाम पुकारा जाएगा तो मैं कैनेडा चला जाऊंगा दिस इज सिस्टम ऑल अबाउट अगर आपको समझ में आ रहा है आम जबान में आपको हॉल में नहीं बिठा दिया जाएगा ये ना हो कि बोले ये बंदा आपको हॉल में बिठाने की बातें कर रहा है हॉल वॉल नहीं होता मैं वर्चुअली बोल रहा हूँ सोचो ऐसा ऐसा दिमाग में लाओ कि जब आपने यहां प्रोफाइल क्रिएट की डल गए आपका नाम डल गया तो वहां पर आप किसी ग्रुप का हिस्सा बने हो उस ग्रुप में से कॉल्स आती हैं वीकली आए मंथली आए वट जो भी है आपका नाम आए या ना आए उस दफा में यह गारंटी ना मेरे पास है ना आपके पास है ना दुनिया में किसी के पास है यह दिमाग में रखिएगा अगली वीडियो मिलते हैं अल्लाह हाफिज़